वाव यार, आज का कितना अच्छा मौसम हो रहा है लॉस सैंटोस में। गाइस, पिछले 2 दिनों से हमारे लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन यार अब हमारा मौसम खुल चुका है और आज तो यार धूप भी आ चुकी है अपने लॉस सैंटोस के अंदर। पर गाइस यार, मैंने सिंचन को ना सब्जी लेने के लिए भेजा था, लेकिन सिंचन अभी तक आया नहीं यार सब्जी लेने के लिए। पता नहीं कहाँ चली गया, सब्जी बनाने गया या फिर सब्जी खरीदने गया है। ओए चौप के बच्चे कहाँ है तू? अब बात कर लो, मैं तो घर पे हूँ और कहाँ रहूंगा। ओए चौप के बच्चे, सिंचन अब तक आया क्यों नहीं? अब बात कर लो, कहाँ भेजा था तूने सिंचन को? अब यार चौप के बच्चे उसे सब्जी लेने भेजा था, लेकिन अब तक वो आया ही नहीं। अब भाई सब को ले चले गया होगा भाई सब स्वीटी से मिलने। अबे स्वीटी तो लेकिन तेरी दोस्त है। अब भाई सब को ले, स्वीटी से मेरी लड़ाई हो चुकी है। अरे यार, फ्रेंकिल भैया ने 100 रुपए की सब्जी लाने के लिए भेजा था। फ्रेंकिल भैया ने बोले सब्जी में से जो पैसे बचेंगे वो तू रख लियो। और गाइस आपको पता है पूरी 100 रुपए की सब्जी आ गई। मैं तो यार पूरे सूटकेस के अंदर सब्जी भर के ला रहा हूं यार, पूरा मूड ऑफ हो गया है। ये तो यार आइसक्रीम की दुकान है। अरे बंदर भाई, यार आइसक्रीम की दुकान कब खोली? अरे सुनचैन भैया, हमने तो आइसक्रीम की दुकान खोल ली, पापा ने आइसक्रीम की दुकान खुलवा दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अरे क्या बात है भैया, दोपहर में खड़ा रहना पड़ता है धूप में हमको। अरे यार मैं क्या कह रहा था यार, मेरे को आइसक्रीम करा दे बंदर भाई। ये बता पैसे कितने हैं? कितने पैसे तू ये बता पहले मुझे। अरे यार पैसे तो मेरे पास एक भी नहीं है। अबे जा सुनचैन भाई, फ्री में मैं आइसक्रीम नहीं खिलवाता। अगर भाई मैंने फ्री में तेरे को आइसक्रीम खिला दी भाई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे यार ऐसा ही आइसक्रीम कहाँ बर्बाद हो जाएगा भाई, खिला दे यार प्लीज। ना सुनचैन भैया, ना पैसे हैं तो भैया जब भी आइसक्रीम खिलाऊंगा लेकिन नहीं खिलवाऊंगा। अरे तू तो मेरा पक्का वाला दोस्त है, खिलवा दे यार आइसक्रीम, खिला दे। ना भाई हम नहीं खिला रहे, जा भग जा यहाँ से, नहीं खिला रहा। अरे बंदर के बच्चे यार, कल ले लियो पैसे भाई, प्लीज कल ले लियो, कल ही आना भैया, कल ही खाना जब पैसे होंगे ना, जब भी आइसक्रीम खाना। बंदर के बच्चे तुझे मैं बताऊंगा, स्कूल में तो तू मेरे लंच में से आधा आधा लंच खा लेता था, और अब आइसक्रीम नहीं खिला रहा। गाइस कितना बुरा है यार, बंदर आइसक्रीम नहीं खिला रहा यार। काश यार सब्जी में से पैसे बच जाते ना तो मैं बढ़िया करके आइसक्रीम खाता। अभी जाता हूँ घर पर, फ्रेंकिल भैया से पैसे मांगूंगा। अगर फ्रेंकिल भैया ने पैसे दे दिए ना तो मस्त करके मैं तो यार आइसक्रीम खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे फ्रेंकिल भैया यार, कहाँ? फ्रेंकिल भैया यार, मेरे को आइसक्रीम खानी है, पैसे दे दो। अरे फ्रेंकिल भैया तो कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे, और चौप भी घर पे नहीं है, चौप का बच्चा तो चले गया होगा सिटी से मिलने। ओए सिंचन भाई, लेके आ गया सब्जी, और जो पैसे बचे उनकी चीज खा लेता है। अरे फ्रेंकिल भैया के बच्चे, पूरे 100 रुपए की सब्जी आ गई है, अब मुझे पैसे दो। अबे सिंचन काय बात के पैसे दूं, अरे मुझे आइसक्रीम खानी है। फ्रेंकिल भैया, सिंचन मैंने बोला तो था अगर सब्जी में से पैसे बचेंगे तो उनसे तो कुछ खा पी लियो। अरे यार फ्रेंकिल भैया, कहां से खा लूं जब पैसे बचे ही नहीं तो? अब तुम मुझे पैसे दो, जाके आइसक्रीम खाऊंगा। सिंचन भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब मैं तुझे पैसे कहां से दूं? अरे फ्रेंकिल भैया मैं कुछ नहीं जानता यार, पैसे दो कहीं से भी लाके दो। अरे अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को ना एक और बाइक ले लेनी चाहिए, फिर मेरे पास 4 बाइक हो जाएंगी और एक कार हो जाएगी। ये व्हाइट कलर की मेरे पास कार है और इसके पीछे मेरी 3-3 बाइक खड़ी है, 3-3 बाइक। लेकिन अब मैं चौथी बाइक कहाँ से लाऊं यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एक काम करता हूँ, अपनी 3 बाइक में से ना एक बाइक को बेच देता हूँ। हाँ जैसे इसे बेचूंगा जो पैसे मिलेंगे उससे नई बाइक ले आऊंगा। हाँ ये सही है, चलते हैं लिटिल सिंघम भैया के घर पे। लिटिल सिंघम भैया से पूछते हैं हमारी बाइक कौन खरीदेगा, मोड़ते हैं पीछे को, अब आएगा असली मजा। अब नई बाइक खरीदूंगा, नई बाइक चलाऊंगा, बहुत मजा आएगा लॉस सैंटोस के अंदर। बग जा मेरी धंधो, बग जा फटाफट से लिटिल सिंघम के घर पे, बहुत मजे करेंगे, नई बाइक आएगी अब तो। चलो यार लिटिल सिंघम के घर पे तुम पहुंच गए, ये रहा हमारा लिटिल सिंघम भैया का घर, उतर जाते हैं। अरे लिटिल सिंघम भैया बाहर निकलो, देखो कौन आया आज तुम्हारे घर पे, वैसे तुम चाय वाय तो कभी पिलाते नहीं हो। अरे लिटिल सिंघम भैया बाहर निकलो, देखो कौन आया है, तुम्हारा प्यारा दोस्त आया आज तो तुमसे मिलने के लिए, और ये छोटा छोटा कुत्ता मेरे साथ साथ चल रहा है। लगता है लिटिल सिंघम भैया ने नया कुत्ता पाला है। अरे कौन आ गया मेरे घर पे, चिल्लाया जा रहा है लिटिल सिंघम, जाके चेक करना पड़ेगा। लगता है सिंचन आया है, सिंचन का बच्चा भी ना हमेशा मेरे घर पे ही आता है। ओए सिंचन, तू तो स्पाइडी है। अरे लिटिल सिंघम भैया हम क्या कह रहे थे, हमारी बाइक बेचवा दो भैया। अबे बाइक क्यों बेच रहा है बेवकूफ, तेरे पास तो 3-3 बाइक की कलेक्शन है, बेच देगा फिर 2 ही बाइक रह जाएंगी। अरे ना भैया हम इसे बेचेंगे और जो पैसे मिलेंगे ना उनसे भैया हम नई बाइक खरीद लेंगे, फिर 3 बाइक हो जाएंगी। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तेरी बाइक खरीदेगा कौन? हाँ फ्रेंकिल भैया खरीद सकते हैं तेरी बाइक, क्योंकि उनके पास कोई बाइक नहीं है। अरे हम क्या कहते, तुम ही खरीद लो हमारी बाइक। अबे मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से खरीद लूँ, एक दिन में 5 रुपए मिलते हैं मेरे को। अच्छा ये वाली बाइक बेच रहा है क्या तू? हाँ ये वाली बाइक बेच रहा है लिटिल सिंघम भैया, बेचवा दो इसको तुम। ठीक है फ्रेंकिल भैया ले लेंगे, कितने में बेचेगा तू इस बाइक को? अरे भैया 20,000 में। 20,000 इतने ज्यादा? चल ठीक है बिचवा देता हूँ, लेकिन फ्रेंकिल भैया 20,000 तुझे देंगे नहीं। अरे भैया 20,000 में तो बिचवा ही देना भैया, नई बाइक भी तो लेनी है। चल ठीक है, वो तो फ्रेंकिल भैया से ही बात करते हैं, ये भगाते हुए चलते हैं तेरी बाइक को। अरे धीरे चला लो भैया, कहीं हमको गिरा दे तुम। अब ऐसे कैसे गिरा दूंगा, ले आ गए फ्रेंकिल भैया के घर पे। और तुझे पता है यहाँ पे मेरा दोस्त भी रहता है, उसका नाम सिंचन है। अरे सिंचन, सिंचन को तो भैया हम जानते हैं, एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमको टॉफी भी खिलाई थी। हाँ मेरा सिंचन बहुत अच्छा, टॉफी भी खिला देता है। फ्रेंकिल भैया बाहर निकलो, सिंचन बाहर निकल भाई। अबे सिंचन ये कौन है भाई, ये तो लिटिल सिंघम की आवाज है। अरे हाँ यार फ्रेंकिल भैया तो खेलने के लिए आया होगा यार, कहाँ जा रहे हो? सिंचन अभी लिटिल सिंघम को भगाता हूँ, वो हमेशा तेरे को खेलने के लिए बुलाता है, कभी पढ़ने के लिए तो बुलाता नहीं है। अरे मत भगाओ यार। ओए लिटिल सिंघम भाग हमारे घर से, सिंचन नहीं खेलेगा तेरे साथ।
अरे फ्रैंकल भैया क्या हो गया? अरे भाई सिंचन नहीं खेलेगा तेरे साथ आज, वो ना घर पे पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भैया मैं खेलने नहीं आया, मैं आज तुमको ना बाइक दिलाने आया हूँ। क्या बाइक दिलाने आया है? और क्या फ्रैंकल भैया, ये जो मेरा स्पाइडी है ना, ये आज अपनी बाइक बेच रहा है। अच्छा ये वाली बाइक बेच रहा है क्या? अरे वह खरीद लो यार फ्रैंकल भैया, बाइक खरीद लो यार, तुम्हारे पास तो कोई भी बाइक नहीं है। हाँ सिंचन तो सही कह रहा है, बाइक तो मेरे को खरीदनी है। स्पाइडी भाई कितने की दे रहा है बाइक? अरे भैया ले लो, तुम तो अपने ही दोस्त, ले लो 20,000 में ले लो। अरे नहीं भाई 20,000 तो मैं इसके बिल्कुल नहीं देने वाला। एक काम करते हैं भाई, इस बाइक के सिंचन कितने दो? अरे दे दो फ्रैंकल भैया 20,000 दे दो। चल सिंचन 20,000 तो मेरे पास है भी नहीं। एक काम करते हैं भाई 5,000 रुपए में दे दे भाई ये बाइक। अरे ना भैया यार, हमको नई बाइक भी खरीदनी है। अरे फ्रैंकल भैया 5,000 में कहाँ दे रहे हो? अरे भाई स्पाइडी प्लीज भाई दे दे मेरे को 5,000 रुपए। चलो यार दे दो तुम 5,000 दे दो, तुम सिंचन के भैया इसलिए तो मैं दे दी 5,000 में। ठीक है भाई अगले महीने ले जियो 5,000 रुपए भी। अरे यार फ्रैंकल भैया देखो 5,000 रुपए में मैं तुमको देने के लिए राजी हो गया, अब 5,000 भी नहीं दे रहे। अरे भाई मैं अगले महीने पक्का दे दूंगा। अरे फ्रैंकल भैया तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, स्पाइडी के सामने तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी है। अबे सिंचन के बच्चे मैंने कहा तेरी बेइज्जती करवा दी, मैं तो भाई अगले महीने पैसे दे दूंगा। अरे तो फ्रैंकल भैया अगले महीने ही बाइक ले लेना। नहीं भाई बाइक की तो मुझे अभी जरूरत है। चलो ठीक है फ्रैंकल भैया अगले महीने पैसे दे देना। अरे यार पूरा मूड खराब हो गया, इससे बढ़िया तो यार मैं अपने मामा को ही बाइक बेच देता तो कम से कम पैसे तो दे देते। उड़ा दिया यार इसने तो। अरे ड्राइवर तेरे को दिख नहीं रहा है, उड़ा दिया तूने मेरे को बेवकूफ कहीं के। वाह यार सिंचन आज तो मजे आ गए भाई, कितने सस्ते में बाइक मिल गई। अरे फ्रैंकल भैया बहुत बढ़िया, मेरे को तो बिठा लो बाइक पे। अरे जनरल लिटिल सिंगम यार तेरे को बाद में बिठाएंगे, पहले हम तो घूम के आ जाए क्योंकि हमने बाइक खरीदी है। अरे फ्रैंकल भैया तुम्हारी तो फ्री की बाइक है, फ्री की। अबे जाना फ्री की बाइक नहीं है, अगले महीने में उसको 5,000 रुपए दूंगा। अरे चलो फ्रैंकल भैया चलो थोड़ा घूम के आते हैं यार, मजे आ गए। फ्रैंकल भैया तुमने बाइक खरीद ली। और फ्रैंकल भैया यार आइसक्रीम भी खिला देना। अबे सिंचन तुझे आइसक्रीम कहां से खिलाऊं यार, पैसे ही नहीं है। अरे फ्रैंकल भैया मुझे तो बिठा लो। फ्रैंकल भैया लिटिल सिंगम के बच्चे को ना कभी और बिठा देंगे अपनी बाइक पे। अरे बता दे तेरे अंदर कौन सी पावर है, हमने लोगों से सुना है कि तेरे अंदर जादू ही पावर है। अरे ना यार हमारे अंदर कोई पावर ना है भैया, हमको जाने दो प्लीज भैया, हमको अपने घर जाना है। ना 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 तेरे को तो जाने नहीं देंगे जब तक तू अपनी पावरों के बारे में नहीं बताएगा। जी बॉस इससे पावरों के बारे में पूछो बॉस, आज इसकी पावर हम हड़प लेंगे बॉस पूछे से। अबे चुप कर जा बेवकूफ, पूछ ही तो रहा हूं कब से, बताने को राजी नहीं हो रहा। एक काम कर इसके डंडा मार। सिंचन भाई सच बता रहा हूं बहुत मजा आ गया। और क्या फ्रैंकल भाई यार 5,000 में कितनी सस्ती बाइक मिल गई, और तो फ्रैंकल भाई तुमने इसको पैसे भी नहीं दिए। हां सिंचन भाई ये समझ ले फ्री की बाइक है यार, अगले महीने देंगे पैसे आराम से। अरे ये कौन है फ्रैंकल भैया? पता नहीं सिंचन वहां पे क्या हो रहा है, रुक जा चल के देखते हैं। अरे सिंचन भाई इनमें से एक बंदे को तो मैं जानता हूं। अरे जानते हो फ्रैंकल भाई, तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं सिंचन दोस्त तो नहीं है, बस मैं इसको जानता हूं, देखो तो सही। अरे लगता है सिंचन भाई ये बंदे सारे मिलके ना एक बंदे को परेशान कर रहे हैं। अरे फ्रैंकल भैया वो कौन है यार, वो तो एक अजीब सा बंदा लग रहा है जिसको परेशान कर रहे हैं। अरे भाई डोंकी ये तू किसको परेशान कर रहा है? अरे फ्रैंकल यहां से तू जा भाई, इसके अंदर जादू ही पावर है, एलियन के अंदर इसकी पावर खींचेंगे। अरे फ्रैंकल भैया तो इसको एलियन बोल रहे हैं, ये तो एलियन नहीं है। अरे प्लीज हमको जाने दो, हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। अरे यार फ्रैंकल भैया तू बोलता भी है यार। फ्रैंकल भैया ओए डोंकी भाई इसको छोड़ दे, देख भाई मेरे पास ना गन भी है, वरना तेरे को गन से उड़ा दूंगा। अरे फ्रैंकल हमारे बीच में मत आ वरना दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे जाना देखी जाएगी तेरी दुश्मनी, चलो टकले निकल। अरे अरे हमें काहे को निकाल रहे हो, हम तो अपने बॉस के चेले, बॉस से बात करो, हमसे क्यों कर रहे हो? अरे यार फ्रैंकल भैया टकले से छोड़ो, डोंकी से ही बात कर लो। ओए तुम सारे निकलो यहाँ से भाई, तुम इसको ऐसे परेशान नहीं कर सकते। हाँ फ्रैंकल भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो यार। अरे निकल भाई निकल, टकले तू भी निकल। अरे बॉस से बात करो, हमसे क्या कर रहे हो, हमें गन मत दिखा, हमारे पास भी गन है। डोंकी भाई सबको लेकर चले जाओ। फ्रैंकल दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, दुश्मनी तूने हमसे मोल लिया बेटा, अब देखियो तेरे को बताएंगे। चलो मेरी पार्टी और निकलो यहाँ से, फ्रैंकल को कभी और बताएंगे। अभी इसके पास गन है इसलिए इसने हमको भगा दिया, वैसे गन तो हमारे पास भी है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी गन नकली है, फ्रैंकल ने दुश्मनी गलत मोड़ी हमसे। फ्रैंकल के बच्चे को तो बाद में बताऊंगा। अरे वाह यार फ्रैंकल भाई तुमने तो सारे गुंडों को भगा दिया। फ्रैंकल भाई ओपी यार। हाँ सिंचन अच्छा करा हमने इस इंसान की जान बचा ली। भाई कौन है तू? अरे मैं तो जादू इंसान हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी हेल्प कर दी। हाँ भाई हम तो ऐसे सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये बता वो तुझे परेशान क्यों कर रहे थे? अरे मेरे अंदर जो पावर है ना, वो मेरी पावर छीनना चाहते थे, इसलिए बेटा वो मुझे परेशान कर रहे थे। अरे कौन सी पावर है भाई, हमको भी बता दिया तेरे अंदर कौन सी पावर है। वैसे तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। एक काम करता हूँ तुम्हें मैं अपनी पावर बताई देता हूँ। अरे हाँ भाई बताना कौन सी पावर है। अरे तुम्हें पता है इस दुनिया का अमीर इंसान हूँ मैं बेटा, जब चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ। अरे वाह जब चाहे जो मर्जी कर सकती है भाई, मुझे आइसक्रीम खाने को दे दे। अरे हाँ मैं एक काम करता हूँ तुम्हें आधी पावर दे देता हूँ, फिर तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा, चलो तुम्हें पावर देता हूँ। हाँ भाई देना, कौन सी पावर दे रहा है? अभी तुम्हें पावर देता हूँ, उसके बाद बेटा तुम जो सोचोगे बेटा वो तुम्हारे पास आएगा। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे सिंचन ये कैसा धुआं निकल रहा है, लगता है फ्रैंकल भैया यार तुम्हारे अंदर पावर आ रही है।
बहुत बढ़िया सिंचन, फिर तो सच में मजा आएगा। हाँ फ्रिंगल भाई, आइसक्रीम खाने को मिलेगी। अब मैं चलता हूँ बेटा, तुम्हारे अंदर पावर बस एक्टिवेट होने ही वाली है। अरे वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। सिंचन वो कहाँ गया? अरे वाह, वो तो गायब हो गया फ्रिंगल भाई, वो तो सच में जादू इंसान था। भाई सिंचन वो बोल रहा था मैं जो सोचूंगा वो मेरे पास आ जाएगा, कुछ बढ़िया सोच के देखता हूँ। हाँ फ्रिंगल भाई, कुछ महंगी सी सोच के देखो यार। सिंचन कार के बारे में सोचता हूँ, यहाँ पे सुपर कार आ जाए। अरे वाह फ्रिंगल भाई, यार देखो सुपर कार आ गई। वाओ सिंचन, कितनी प्यारी कार है भाई। अरे वाह, लगता है फ्रिंगल भाई तुम्हारे अंदर एकदम तगड़ी वाली पावर आ गई। जल्दी बैठ सिंचन, इसे गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो कार है ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। अरे वाह, गोल्ड में भी कन्वर्ट होगी फ्रिंगल भाई कार तो। बढ़िया सिंचन, बहुत बढ़िया यार, हमारे अंदर काफी बढ़िया पावर आ चुकी है। सिंचन भाई और क्या मांगना चाहिए? अरे फ्रिंगल भाई यार, अब तो मेरे मन में बहुत सारे वो आ रहे हैं यार, क्या क्या मांगना चाहिए। हाँ तो सिंचन तू बता, मैं वो ही मांग देता हूँ, यहाँ पे एक और सुपर कार आ जाए। अरे वाह सिंचन भाई, तूने बोला यहाँ सुपर कार आ जाए, सुपर कार आ गई। अरे लगता है फ्रिंगल भाई मेरे अंदर भी यार जादुई पावर आ चुकी है फ्रिंगल भाई। बढ़िया सिंचन बढ़िया, हम दोनों भाई जो सोचेंगे इसका मतलब अब वो हमारे सामने आ जाएगा। चल सिंचन भाई, अब यहाँ पे बहुत कुछ सोच देते हैं। हाँ फ्रिंगल भाई, यहाँ पे बहुत सोचते हैं यार, वो सब हमारे सामने आ जाएगा। अब तो सिंचन भाई एकदम लग्जरी लाइफ जिएंगे हम। हाँ फ्रिंगल भाई, एक बहुत बड़ा घर के बारे में भी सोचेंगे। तो गाइस अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और गाइस यहाँ पे सिंचन और मैंने मिलके देखो भाई क्या कुछ नहीं मांग लिया। फ्रिंगल भाई हमने तो बहुत सारी चीजें मांग ली, और सिंचन भाई जितनी भी चीजें हमें मांगनी ना वो तो सिंचन अपने घर पे चल के मांगे। और गाइस यहाँ पे देखो हमने बहुत सारी सुपर कार मांग ली लाइन से, और गाइस हमने ना लाइन से भाई बहुत सारा गोल्ड भी मांग लिया। अगर फ्रिंगल भाई ये गोल्ड की एक पेटी भी बेचेंगे ना तो बहुत पैसा आ जाएगा। आप सिंचन हमको कुछ बेचने की जरूरत नहीं भाई, हम पैसों के बारे में सोचेंगे ना तो हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। चल आ जाए तेरे को हेलीकॉप्टर में घुमाता हूँ। अरे फ्रिंगल भाई हाँ, हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखेंगे नीचे का नजारा। और सिंचन यहाँ पे जितनी भी सुपर कार है ना और जितना सारा भी गोल्ड है ना, मैं बैनी को कॉल कर दूंगा, बैनी यहाँ पे आएगा और ये सारा कुछ हमारे घर पे भिजवा देगा। हाँ यार फ्रिंगल भाई, हमारे घर पे भिजवा देना चाहिए बैनी को जल्दी से जल्दी, वरना फ्रिंगल भाई कोई चोरी करके ले जाएगा। वैसे सिंचन ऐसे तो कोई चोरी कर नहीं सकता। देख सिंचन भाई क्या बढ़िया गोल्ड लग रहा है। हाँ फ्रिंगल भाई बहुत मजा आ गया, तगड़ी पावर आ गई हमारे अंदर तो। अब सिंचन भाई एक ना नया घर खरीदेंगे और सिंचन उसके अंदर बहुत बड़ी जगह बनवाएंगे, वहां पर सिंचन और भी बहुत कुछ मांग देंगे। हाँ फ्रिंगल भाई यार बहुत कुछ मांगे। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ यार हमको क्या क्या मांगना चाहिए जो हमारे सामने आ जाए। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई। तो यार फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।